वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप बिल्डिंग गुड गाइस। तो ये जो मैंने वेयर करा है ये मिशो से है, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का जो हॉल होने वाला है वो लहंगा हॉल होने वाला है, जो कि मैंने मंगाई है जोश इंडिया से। और जोश इंडिया एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रेप्लिकाज मिल जाते हैं और एथनिक वेयर भी मिल जाती है, साड़ीज लहंगा और कुर्ती सब कुछ अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो प्लीज चेक करें। आज जो मैं लहंगा आपके साथ शेयर करने वाले हूँ, स्पेशली मैंने हल्दी और मेहंदी फंक्शन के लिए लिया है। सो अगर आपके फ्रेंड या फिर आप शादी हो तो मेक श्योर करें ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। जिनके भी घर में शादी है इस टाइम पे, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा लुक बुक क्रिएट किया है हल्दी और मेहंदी फंक्शन के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर से कर देना, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो एंड कॉमेंट में बताना की कौन सी लहंगा अच्छी लगी। नाउ वी डोंट हैव टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट लहंगा इज दिस रेड एंड ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत गॉर्जियस सी कलर कॉम्बिनेशन की लहंगा है, बनारसी लहंगा है। एंड इस पर बहुत ही सुंदर सा बनारसी दुपट्टा आ रहा है, जिसका वर्क आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है। और ये डुअल शेड का दुपट्टा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वेयर करने के बाद। लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा दुपट्टे की अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही खूबसूरत बनारसी बॉर्डर भी दिया हुआ है। और ये इसके साथ ये स्लीवलेस ब्लाउज, जो रेडीमेड ब्लाउज है जिसपे छोटा छोटा येलो वर्क क्या हुआ है, राउंड नेक के साथ है। और बैक इसका बहुत ही ज़्यादा ब्लाउज की खूबसूरत है, डीप नेक के साथ है। और यहाँ पे आपको छोटी सी स्लीव्स मिल रही है, अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है। और यहाँ पे इतनी मार्जिन मिल रही है जिसे आप खुलवाकर आराम से अपने साइज का भी बना सकते हैं, तो एक्सेल साइज तक ये आराम से आ जाएगी। सेमी स्टिच लहंगा है ये, जिसे सिर्फ आपको साइड से स्टिच कराना है। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत ही मुश्किल से बैलेंस करके पहना है, कैनकन के साथ है। और इसकी जो कैनकन है बहुत ही ब्रॉड वाली कैनकन है, जो बहुत अच्छी लग रही है, और इनर लाइनिंग भी है। तो यहाँ पे मैंने किसी तरीके से पिन अप करके पहना, मैंने अभी इसे स्टिच नहीं कराया है, तो इसलिए थोड़े से दिखाने में आपको बैक दिखाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने बैक बहुत अच्छे से नहीं दिखाया। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने वो पिन लगा के पहना, इसलिए इसकी फ्लेयर बहुत अच्छे से आपको नजर नहीं आएगी, बट एक्शन में लगेगी कि फ्लेयर काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी नीचे आपको बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर मिल रही है, रेड एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इनर लाइनिंग है, कैनकन बहुत अच्छे से दी हुई है। तो ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आई, जब मुझे रिसीव हुई थी ना, तो ये मुझे स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लाइक इसका दुपट्टे का मटेरियल बहुत सुंदर है, ब्लाउज बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा लहंगे का मटेरियल मुझे पसंद नहीं है। बट पहनने के बाद दुपट्टे का जो लुक मिला है लहंगे के साथ, वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बारात में पहन सकते हैं आप, रिसेप्शन में इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और रेड एंड ग्रीन बहुत लोगों की फेवरेट भी होती है, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी। इसका प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, 2899 की लहंगा सेट है ये, और मुझे लगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है और मैं इसे रिकमेंड करूँगी। और जो भी ज्वेलर्स मैंने डाली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, माय ज्वेलरी स्टोर, तो वहाँ पे चेक कर लें। दो तीन ज्वेलरी को ही मैंने मिक्स एंड मैच करके पहना है, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। और इस पे मैंने रेड एंड ग्रीन बैंगल्स भी डाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप बताएं आपको ये लुक कैसी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. माई नेक्स्ट लहंगा इज दिस येलो एंड ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन के, जिसे आप हल्दी में पहन सकते हैं, मेहंदी में पहन सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लहंगा सेट है ये। और जितने भी अभी मैं लहंगा दिखाऊंगी, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है सारे में, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही है, 3000 रुपीज़ की है। बट इसका जो मटेरियल है वो ब्लाउज फुल स्लीव्स मिल रहा है आपको, रेडीमेड ब्लाउज मिल रही है इस पर, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इसका प्राइस 100 रुपीज़ ज़्यादा है। सो कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन, पिंक, रेड मिक्स गोल्ड, बहुत ही खूबसूरत लग रही है डिज़ाइन इसकी। और फ्लेयर अगेन इसके भी सेम है इस लहंगे के भी, जो पिछले लहंगा में दिखाया, क्योंकि ये सेमी स्टिच है इसलिए मैंने पिन अप करके पहना है। अगर ये फुली स्टिच रहती तो आपको बहुत अच्छे से नजर आती। अगेन दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है, ग्रीन कलर का बनारसी दुपट्टा है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। लंबाई चौड़ाई दोनों दुपट्टे की बहुत अच्छी है, राउंड नेक के साथ है, फुल स्लीव्स है इस पे ब्लाउज पे, एंड ब्लाउज का जो बैक है बहुत सुंदर, उस पर आपको एक डोरी भी मिल रही है। फुल बनारसी ब्लाउज है, इनर लाइनिंग के साथ है, जिसका मटेरियल गाइस बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। और स्कर्ट अगेन सेम स्टिच है, यहाँ पे आपको सेम लाइनिंग मिल रही है और कैनकन मिल रही है, जो बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। तो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी, इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है पिछले वाला से, और हल्दी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, और मेहंदी फंक्शन के लिए, संगीत के लिए परफेक्ट है। जैसी फोटो में दिख रही है एज इट इज रिसीव हुई है, प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी।
माई नेक्स्ट लहंगा है दिस येलो कलर की, बहुत ही गॉर्जियस सी लहंगा है जो मल्टी कलर लहंगा है, जिसमें ब्लू ब्लाउज, रेड दुपट्टा और बहुत ही खूबसूरत येलो कलर की स्कर्ट मिली है, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन भर भर के दिया हुआ है, ब्राउन, टर्कस कलर, ऑरेंज, रेड, पर्पल एंड उसके साथ ये बहुत ही गॉर्जियस बनारसी दुपट्टा है जिसमें बहुत ही ब्रॉड बॉर्डर है और लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की दोनों बहुत अच्छी है। उसके साथ आती है ब्लाउज येलो एंड बीच कलर की, जो ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ राउंड नेक के साथ है। बैक इसकी देखिए बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और डीप है। इसकी जो डोरी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, आप चेंज भी करा सकते हैं अगर आपको ही पसंद ना आए तो। और छोटी सी स्लीव्स इसके साथ आ रही है जो आप अटैच कर सकते हैं अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है तो। और सेमी स्टिच लहंगा है ये और बैक पे आपको इनर लाइनिंग मिल रही है सेम जैसे पिछले लहंगा में मिल रही थी और साथ में ये कैनकन मिल रहा है जो कि बहुत ही ब्रॉड कैनकन है जो बहुत अच्छे से घेर लहंगे पे दे रही है। और पूरे कैनकन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से दी हुई है जो मैं बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सो फ्लेयर इसकी वजह से काफ़ी अच्छी बन रही है जो कि मुझे बहुत पसंद आई और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए पर्पल, ब्लैक, टर्कस, ब्लू, ब्राउन, बहुत ही खूबसूरत लहंगा चोली है ये। तो मैंने इसे हल्दी के लिए मंगाया था बट आप इसे बारात फंक्शन में भी पहन सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर येलो नहीं है। रेड दुपट्टा और ब्लू ब्लाउज इसको बहुत अच्छे से कलरफुल बना रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इस पर भी मार्जिन आपको मिलेगी ब्लाउज पर तो आप थोड़ा लूज करा सकते हैं, तो एक्सेल तक ये साइज़ आराम से आ जाएगी, डबल एक्सेल को नहीं आएगी। और इस पर भी मैंने बैंगल्स पहना है रेड एंड येलो जो मुझे बहुत सुंदर लगता है, बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है। और ज्वेलरी का जितने भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइज, माय हॉल स्टोर चेक करें। बैंगल्स मैंने लोकल मार्केट से लिया है, 30-30 रुपीज़ दर्जन में प्लेन मैट बैंगल्स है जो कि आपको ईजिली कोई भी मार्केट पर मिल जाएगी। फ्लेयर इसकी लहंगे की बहुत अच्छी है, अगेन मैंने पिनअप करके पहना इसलिए फ्लेयर बहुत दिख नहीं रही यहाँ पे क्योंकि सेमी स्टिच लहंगा स्टिच मैंने नहीं कराया। सो मैं इसे तो हाईली रिकमेंड करूँगी, 2899 का लहंगा मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। आप आराम से इसे ब्लाउज चेंज करके भी पहन सकते हैं, इसे मैंने एक बार रेड ब्लाउज भी डालकर देखा वो भी बहुत सुंदर लग रही है, तो बहुत अच्छे से कॉम्बाइन कर सकते हैं। और आपको कैसे लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताना। माय नेक्स्ट लहंगा इज दिस लहंगा जो अगेन बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का लहंगा हुआ है, फुल येलो लहंगा है ये। इस पे मैंने लास्ट वाले लहंगे का ब्लाउज पहना है क्योंकि इसकी ब्लाउज सेमी स्टिच भी नहीं है, स्टिच भी नहीं है, बिल्कुल ब्लाउज का पीस है इसलिए। सो ये चुन्नी बहुत ही खूबसूरत सी जिसपे सीक्वेंस का बॉर्डर है और थ्रेड वर्क पूरा दिया हुआ है, चुन्नी इसकी बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ वर्क है। एंड इस पे दी हुई है ये ब्लाउज जिसपे अगेन येलो थ्रेड वर्क और सीक्वेंस का वर्क है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्लाउज आपको नजर आएगी, बहुत ही सुंदर नेट का ब्लाउज है। आपको इस पे इनर खरीदना पड़ेगा, लाइक ब्लाउज का इनर इस पे नहीं है। और 2499 इसका प्राइस है जो प्राइस अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। और पूरा फुल बैक और फ्रंट दोनों पे वर्क है, स्लीव्स पे वर्क है, तो ये चीज़ काफ़ी पसंद आई ब्लाउज का। एंड ये सेमी स्टिच लहंगा नहीं, ये फुली स्टिच लहंगा है। आपको यहाँ पे बेल्ट के पास सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है, जो प्लीट्स इसकी बनी है दोनों तरफ, काफ़ी अच्छी घेर है इस पे, साइड पे आपको डोरी मिल रही है। और ये जो है ये फ्लेयर काफ़ी अच्छी है, इनर लाइनिंग आपको सैटिन की मिल रही है और साथ ही में बहुत ही अच्छी कैनकन मिल रही है जो फ्लेयर को बहुत अच्छी बना रही है। तो इस लहंगे की फ्लेयर मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि जितने भी मैंने लहंगा दिखाया सबका बनारसी, सारा बनारसी लहंगा है ये। एक सिफोन का लहंगा है जो बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही गर्लिश काइंड ऑफ लहंगा है। सो अगर आप इसे अपने ब्लाउज के साथ स्टिच कराकर पहनेंगे तो ये डबल अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे मैचिंग जो भी ब्लाउज था उसके साथ मैंने आपको पहनकर दिखा दिया, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी। मुझे सबसे ज्यादा जब ये लहंगा आने वाला था मुझे सबसे ज्यादा इसका वेट कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये फोटो पे। जैसे ये फोटो पे है वैसे ही आपको एज इट इज रिसीव होगी, तो गाइज आंख बंद करके आप ये लहंगा ले सकते हैं, बजट में भी है, बहुत ही सुंदर है, हल्दी फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छी है। ज्वेलरीज की लिंक आपको मायरी ज्वेलरी कलेक्शन पर मिल जाएगी। You can't.
नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है जस्ट ग्रीन एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन का लहंगा चोली। इस पर अगेन मैंने पिछला ब्लाउज ही डाला है क्योंकि उसका ब्लाउज भी कपड़ा ही था, स्टिच नहीं था। तो डुअल कलर का बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है इसका, जिसमें पिंक और पिच कलर का वो डुअल शेड नज़र आ रही है। दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी, नीचे टैशल लगी हुई है, तो मुझे इसका दुपट्टा ही बहुत पसंद आया। इनफैक्ट जितने भी दुपट्टा मैंने आपको दिखाए बहुत ही डिफरेंट दिखाए हैं। और ये सेमी स्टिच लहंगा है, तो इस तरीके की इसकी बेल्ट आती है। पीछे बैक में आपको इनर लाइनिंग मिल रही है एंड सेम कैनकन आपको मिल रही है जो जितने भी मैंने लहंगास में दिखाए हैं। बहुत ही अच्छी फ्लेयर बन रही है उसके वजह से लहंगा की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगेन सेमी स्टिच है तो फ्लेयर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रही, स्टिच कराना पड़ेगा उसके लिए। और उसके साथ ये ब्लाउज का पीस आ रहा है जो कि बनारसी में ही है, बूटी बूटी बनी हुई है। और अगेन आपको इनर लाइनिंग के साथ इसे बनानी होगी वरना बहुत ही चुभेगी आपको। मटेरियल इसकी ठीक ठाक है, अच्छी लग रही है। और इस पर मैंने खूब सारा बैंगल्स पहना है क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है बैंगल्स पहनना। मैं वेट करती हूँ ऐसा कुछ फंक्शन का। सो अगर आप इसके ग्रीन ब्लाउज के साथ स्टिच करा के पहनोगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगी। मैंने कलरफुल ब्लाउज के साथ आपको दिखा दिया क्योंकि राइट नाउ ब्लाउज अवेलेबल नहीं थी। तो इसका जो ब्लाउज स्कर्ट में काम है वो भी पिंक येलो ब्लू कलर का काम है। तो फ्रैंकली मैं बोलूँ मुझे इसकी स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, कंपेयर करूँ मैं और भी मैंने आपको चार जो दिखाई है तो थोड़ी सी कम पसंद आई मुझे इसके स्कर्ट। बट इसके दुपट्टा ब्लाउज बहुत सुंदर है और अगर आपको मेहंदी फंक्शन में पहनना तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि कौन सी मेहंदी वाली आपको अच्छी लगी और कौन सी हल्दी वाली आपको अच्छी लगी। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया और उस पर जो मैंने बैंगल्स पहने हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लें और कॉमेंट ज़रूर से करें। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated, let's stop this conversation. That's it for today's video guys. I hope आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। बहुत गर्मी में शूट करा है और बहुत मेहनत भी लगी है आज के वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट में बताना कि कौन सी लहंगा आपको पसंद आई। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।